मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 26 मई 2014 प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी का शपथ, एक ऐतिहासिक घटना, एक नए युग का शुभारंभ। समर्पण और राष्ट्र प्रेम से लिखी एक ऐसी गाथा जिसकी परिणति भारतीय जनता पार्टी एवं श्री नरेंद्र मोदी को मिले अपार जन समर्थन के रूप में हुई है। भारतीय जनता पार्टी जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, जो प्रखर राष्ट्रवाद एवं अडिग देशभक्ति के लिए जानी जाती है, जिसके लिए विचारधारा एवं संगठन सर्वोपरि है, जिसके सिद्धांतों में निष्ठा है, जो भारतीय संस्कृति के गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेते हुए मां भारती को परम वैभव की ओर ले जाने को संकल्पबद्ध है। ये पार्टी केवल एक राजनैतिक दल नहीं, एक आंदोलन है। भाजपा की गाथा संघर्षों से गढ़ी हुई गाथा है। ये गाथा है अनगिनत देशभक्तों की, लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की और ऐसी विभूतियों की जिन्होंने अपने अटूट विश्वास और अथक परिश्रम से इतिहास की धारा को मोड़ दिया, देश की राजनीति को नई दिशा दी, राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की अलख जगाई। पिछले लगभग 1000 वर्षों में अनेकों आक्रमणों एवं आघातों के बीच भारत की राष्ट्रीयता एवं संस्कृति को ऋषि महर्षियों एवं अनगिनत रण बांकुड़ों ने न केवल अक्षुण्ण रखा, बल्कि समय के साथ अपनी आहुति से इसके तेज को प्रखर बनाया। अंग्रेजों के साथ हुआ स्वतंत्रता संघर्ष भारतीय राष्ट्रवाद के आधार पर लड़ा गया, लेकिन स्वतंत्रता अपने साथ विभाजन की त्रासदी भी लेकर आई। मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्रीयवाद के सांप्रदायिक आधार को कम्युनिस्टों और अंग्रेजों का समर्थन था। कांग्रेस मिश्रित राष्ट्रवाद की कल्पना एवं शीघ्र सत्ता में आने की आकांक्षा के कारण देश को बंटने से रोक नहीं सकी। भारत को विभाजन का दंश झेलना पड़ा और मां भारती की भुजाएं काटकर पाकिस्तान बनाया गया। स्वतंत्रता के पश्चात जब नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान में रह गए हिंदुओं की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया, तब इससे उद्वेलित होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। नेहरू के पाश्चात्य प्रेम से ऐसी नीतियां बनने लगी जिनमें भारतीय संस्कृति सुरक्षित नहीं रह सकती थी। कांग्रेस गांधीवाद को विस्मृत कर नेहरूवाद के रास्ते पर चल पड़ी थी। डॉक्टर मुखर्जी और कई अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने इस खतरे को भांप लिया। एक नए राजनीतिक दल की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसी क्रम में डॉक्टर मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूजनीय श्री गुरुजी श्री माधव सदाशिव राव गोलवलकर से भेंट कर नई राजनीतिक पार्टी का प्रस्ताव रखा। श्री गुरुजी ने जहां एक तरफ संघ को राजनीति से दूर रखने की बात की, वहीं दूसरी तरफ अपने कुछ निष्ठावान स्वयंसेवकों को इस कार्य के लिए डॉक्टर मुखर्जी को देने का निर्णय लिया और इस तरह 21 अक्टूबर 1951 को स्थापित हुआ भारतीय जनसंघ। इसके तुरंत बाद हुए मतदान में पार्टी को 3 सीटें मिली, साथ ही उसे राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिल गई। 1953 में कश्मीर का प्रश्न भारत की अखंडता के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा। किसी भी भारतीय को कश्मीर में बिना परमिट जाने की अनुमति नहीं थी। डॉक्टर मुखर्जी ने इस नियम के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ किया और 19 मई 1953 को बिना परमिट जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गए। एक देश में दो प्रधान, दो निशान, नहीं चलेंगे। उन्हें बंदी बना लिया गया। इसी दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और 23 जून को उनका बलिदान हो गया। मृत्यु तुम्हारा महिमा दे तो आज तो प्राणे। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। देश की जनता इस मुद्दे पर मुखर होने लगी
देशभक्त एकत्रित होकर विरोध करने लगे। परिणामतः 9 अगस्त को शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री पद से हटाकर गिरफ्तार करना पड़ा। अंततः परमिट सिस्टम भी समाप्त हो गया। जनसंघ का दायित्व अब महामंत्री पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के सबल कंधों पर आ गया था। पार्टी ने गोवा मुक्ति आंदोलन चलाया, पांडिचेरी दादर हवेली की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से जुड़े मेरुबाड़ी को पाकिस्तान के हाथों में सौंपने का तीव्र विरोध किया, कच्छ समझौते के विरुद्ध आंदोलन किया, गोहत्या के विरुद्ध अभियान चलाया। अब तक जनसंघ अपनी पहचान विचारधारा पर आधारित एक राजनीतिक दल के रूप में बना चुका था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इसके नेतृत्व को एक अलग पहचान दी और वैकल्पिक विचारधारा के तौर पर भारतीय जीवन पद्धति पर आधारित एकात्म मानववाद को प्रतिपादित किया। 1965 में विजयवाड़ा में हुए जनसंघ के अखिल भारतीय अधिवेशन में इसे अधिकृत रूप से पार्टी की विचारधारा घोषित किया गया। उसी समय से ये पार्टी का मूल दर्शन है। 1967 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ के 35 सदस्य विजयी हुए तथा 9.41% वोट प्राप्त हुए। जनसंघ अब कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल बन गया। देश भर में जनसंघ के 268 विधायक जीते और पार्टी को 9 राज्यों में संविध सरकारों में शामिल होने का अवसर मिला। पहली बार कांग्रेस का वर्चस्व टूटने लगा। 1967 में कालीकट में जनसंघ का 14वां अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। नेपथ्य में रहकर काम करने वाला नेता अब विश्व की नजर के सामने आ गया, लेकिन शायद उन्हें नजर लग गई। 11 फरवरी 1968 को दीनदयाल जी भी शहीद कर दिए गए। ये देश की राजनीति पर वज्राघात था। जनसंघ ने अपनी आगे की यात्रा शुरू की श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में। 13 फरवरी 1968 को श्री वाजपेयी जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए। देश इतिहास के ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ जब पार्टी को आपातकाल से संघर्ष करना पड़ा और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ी। भ्रष्टाचार, महंगाई, कुशासन की प्रतीक बनी देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आचरण तानाशाही भरा हो गया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची, किंतु वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली और 25 जून 1975 के आदेश में उन्हें संसद में मताधिकार तक से वंचित कर दिया गया। उन्होंने उसी रात भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय लिख डाला। लोकतंत्र का गला घोंट कर इंदिरा गांधी ने देश भर में आपातकाल की घोषणा कर दी। दमन चक्र ऐसा चला कि इंदिरा सरकार ने जिसे चाहा उसे जेल में डाल दिया। बड़े बड़े नेताओं से लेकर आम जनता तक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर फिर एक बार प्रतिबंध लगाया गया। जनसंघ ने सत्याग्रह शुरू किया जिसे जोरदार समर्थन मिला। कांग्रेस का व्यापक विरोध हुआ। जेल में गिरफ्तार नेताओं ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया। जनसंघ ने दल से बड़ा देश मानते हुए अपना विलय नवगठित जनता पार्टी में कर दिया। लोकतंत्र बचाने के संदेश को जन जन तक पहुंचाया श्री जय प्रकाश नारायण ने, पर उनकी आवाज बने संघ और जनसंघ के करोड़ों सत्याग्रही। पहले से ही गुजरात में नव निर्माण आंदोलन एवं बिहार में संपूर्ण क्रांति से देश आंदोलित था। जनसंघ अग्रिम पंक्ति से आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। श्री नानाजी देशमुख की जय प्रकाश नारायण को इस क्रांति से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तत्कालीन जनसंघ अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जेपी को दिल्ली में हुए अखिल भारतीय अधिवेशन में लेकर आए। इसमें जेपी ने कहा, यदि जनसंघ फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूँ। इस आंदोलन से कांग्रेस का विरोध मुखर होता गया और जनता पार्टी जन जन की आशा बनकर उभरी।
1977 के चुनाव में जनता की मौन क्रांति ने कांग्रेस की करारी हार सुनिश्चित कर दी। खुद इंदिरा गांधी अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। जनता पार्टी की सरकार बनी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनता सरकार में विदेश मंत्री बने और श्री लाल कृष्ण आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री। देश में एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है, लोकतंत्र अब सुरक्षित है और आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करने का काम हमारे सामने। हम अनुशासन को थोपने में विश्वास नहीं करते, हमें आत्मानुशासन पैदा करना होगा। पर भारतीय राजनीति का ये पहला प्रयोग ज्यादा दिन नहीं चल पाया और आपसी लड़ाई व कांग्रेस के षड्यंत्रों के कारण सरकार गिर गई। मध्यावधि चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को दोबारा सत्ता पर काबिज होने का मौका मिल गया। जनता पार्टी के अंदर वर्चस्व की लड़ाई में कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने जनसंघ घटक के लोगों के संघ से संबंध पर आपत्ति जताते हुए दोहरी सदस्यता का मामला उठाया। यह जनता पार्टी में जनसंघ घटक को अलग थलग करने की एक राजनीतिक चाल थी। कहा गया कि जनसंघ के लोग या तो जनता पार्टी छोड़ें या संघ से अपने संबंध समाप्त करें। इस विषय पर जनसंघ के नेताओं ने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया तथा जनता पार्टी छोड़ दी। 6 अप्रैल 1980 को पंच निष्ठाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। पार्टी का पहला अधिवेशन 1980 में मुंबई में हुआ। श्री अटल बिहारी वाजपेयी पहले अध्यक्ष निर्वाचित हुए। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं यह भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। लेकिन इस बीच इंदिरा गांधी की अचानक हुई हत्या के बाद कांग्रेस को भारी सहानुभूति वोट मिले। भाजपा केवल 2 सीट ही जीत पाई। लेकिन राजीव गांधी की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति, चाटुकारितापूर्ण कार्य संस्कृति और घोटाले का पर्याय बन गई। हर रोज एक नया भ्रष्टाचार समाचार पत्रों में प्रमुखता से आ जाता। बोफोर्स तोप घोटाला इन सभी घोटालों का प्रतीक बनकर उभरा। इधर भाजपा को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। यही कारण रहा कि 1989 में इसे 86 सीटें मिली और भाजपा ने वीपी सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दिया। इस बीच राम जन्मभूमि मुक्ति का विषय एक बड़ा जन आंदोलन बनकर उभरा। भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने राम जन्मभूमि के समर्थन में सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा को अभूतपूर्व जन समर्थन मिला। पूरे देश में राम लहर चल पड़ी। अद्भुत वातावरण का निर्माण हुआ। इससे घबराकर रथ यात्रा रोक दी गई। श्री लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया गया। कोई और रास्ता न बचने के कारण भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वीपी सिंह सरकार गिरी, जनता दल टूटी और कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। किंतु कुछ ही माह में कांग्रेस ने समर्थन खींच लिया और मध्यावधि चुनाव हुए। 1991 के चुनाव में भाजपा ने 120 सीटों पर सफलता हासिल की। इस दौर में कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद अपना फन उठा रहा था। पूरा देश कश्मीर की घटनाओं से आहत था। भाजपा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का निर्णय लिया। दिसंबर 1991 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में एकता यात्रा निकाली गई। श्रीनगर के लाल चौक पर 26 जनवरी 1992 को तिरंगा फहराकर डॉक्टर जोशी ने देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया। नरसिम्हा राव की सरकार कुशासन एवं भ्रष्टाचार के गर्त में डूब चुकी थी। इसी दौरान आर्थिक साम्राज्यवादी भूमंडलीकरण ने अपने पैर पसारे।
देश में स्वदेशी आंदोलन छिड़ा, अनियंत्रित महंगाई, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला और बेलगाम मंत्री, राम मंदिर विवाद को हल करने में सरकार विफल रही। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों की अनियंत्रित भीड़ ने राम जन्मभूमि पर स्थित विवादास्पद ढांचे को ढहा दिया। इसके लिए भाजपा को निशाना बनाया गया। लोग त्रस्त होकर विकल्प तलाशने लगे। 1996 के चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसे 161 सीटों पर जीत हासिल हुई। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन श्री वाजपेयी ने जोड़ तोड़ से सरकार बनाने को अस्वीकार किया और उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए हैं, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। अटल जी के इस ऐतिहासिक संबोधन ने देश को झकझोर कर रख दिया। इस बीच जोड़ तोड़ कर बनी सरकारें चल नहीं पाई और पूरा देश अस्थिरता एवं भ्रष्टाचार के दौर में चला गया। 1998 में मध्यावधि चुनाव हुए। भाजपा नीत एनडीए को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। भाजपा को अकेले 182 सीटें मिली। श्री वाजपेयी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत को परमाणु शक्ति घोषित किया। विश्व की बड़ी शक्तियों ने भारत पर कई प्रतिबंध लगाए, पर देश झुका नहीं। श्री वाजपेयी के नेतृत्व में अडिग रहा। कारगिल में पाकिस्तान छल पूर्वक घुस बैठ कर उस पर अतिक्रमण करने का षड्यंत्र कर रहा था, पर भारतीय सेना ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत विजयी रहा। लेकिन कांग्रेस की जोड़ तोड़ की राजनीति के कारण ये सरकार भी 13 महीने ही चल पाई और अन्ना द्रमुक के समर्थन वापस लेने से सरकार गिर गई। फिर मध्यावधि चुनाव हुए, जिनमें और अधिक समर्थन के साथ भाजपा की अगुवाई में एनडीए पुनः सत्ता में आई और अटल जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस दौरान भारत प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा। सर्व शिक्षा अभियान, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अनेक योजनाओं से भारत का चहुमुखी विकास हुआ। यह क्रांतिकारी परिवर्तन का दौर था, लेकिन आगामी चुनाव में समीकरण पार्टी के पक्ष में नहीं रहे। वर्ष 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को 136 सीटें मिली। सत्ता की चाबी फिर कांग्रेस के हाथों में चली गई। केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में चली सरकार घोटालों और कुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित करने लगी। 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, कोयला आवंटन घोटाला, IPL घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, रेल घोटाला जैसे लगभग 12 लाख करोड़ के अनगिनत घोटालों ने देश की अर्थव्यवस्था चरमरा कर रख दी। आम जनता महंगाई की मार से बिलबिला उठी। काला बाजारियों के पौ बारह होते रहे और देश का अरबों रुपया काला धन के रूप में विदेशों में जमा होता रहा। लेकिन जनता ने इस कुशासन का उत्तर वोटों से देना शुरू कर दिया। कई राज्यों में कमल खिलने लगे। 2008 में कर्नाटक में पहली बार विजय मिली। भाजपा के लिए दक्षिण के दरवाजे खुल गए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार 3 बार भाजपा सत्ता में आई। गुजरात में तो 5वीं बार भाजपा की सरकार बनी। किसी न किसी रूप में भाजपा देश के अधिकांश राज्यों की सरकारों में शामिल हुई। इन राज्यों में सरकारों ने सुशासन और विकास की नई गाथाएं लिखी। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात पूरे देश में सुशासन और विकास के मॉडल के रूप में उभरा। विकास पुरुष बने श्री नरेंद्र मोदी। गुजरात के विकास से सारा देश चमत्कृत हो उठा।
नरेंद्र मोदी जन जन की आकांक्षा के रूप में उभरे। पूरा देश उनमें अपना भविष्य देखने लगा। भाजपा ने श्री नरेंद्र मोदी को अपने प्रधानमंत्री प्रत्याशी के तौर पर प्रस्तुत किया। मानो देश इसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। देश के कोने कोने में नरेंद्र मोदी और कमल की धूम मच गई। मोदी जी की जनसभा में अभूतपूर्व जन समर्थन स्पष्ट देखा जा सकता था। 16 मई 2014 को चुनाव परिणाम सामने आए। भाजपा नीत एनडीए को 336 सीटों के साथ भारी विजय मिली। भाजपा को अकेले 282 सीटें प्राप्त हुई। 30 वर्षों बाद जनता ने किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया। 26 मई 2014 को श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने कम समय में ही अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने विश्व में भारत की गरिमा को पुनर्स्थापित किया। अनेक अभिनव योजनाओं के माध्यम से नए युग की शुरुआत की। देश अंत्योदय, सुशासन, विकास एवं समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर है। पार्टी ने अपने विस्तार के लिए कई मोर्चों का गठन किया है। युवा मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, श्री कुशाभाव ठाकरे, श्री बंगारू लक्ष्मण, श्री जना कृष्ण मूर्ति, श्री वेंकैया नायडू, श्री राजनाथ सिंह, श्री नितिन गडकरी और श्री अमित शाह जैसे लोकप्रिय संगठनकर्ता एवं सिद्धांत निष्ठ व्यक्तियों ने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व किया है। आज अनेक प्रदेशों में भाजपा या इसके गठबंधन वाली सरकारें अंत्योदय एवं एकात्म मानववाद के आधार पर जन कल्याण के कार्य कर रही हैं। वाजपेयी जी जब पहले अध्यक्ष बने तब भाजपा ने 25 लाख सदस्यों के साथ यात्रा शुरू की थी। आज अमित भाई शाह की अध्यक्षता में इसके 11 करोड़ से भी अधिक सदस्य हैं और ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इस संगठन के नींव के पत्थर के रूप में लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने अथक परिश्रम, बलिदान एवं साधना से सींचा है और आज भी अनगिनत कार्यकर्ता नेपथ्य में रहकर निरंतर मां भारती की सेवा कर रहे हैं।